गाइस ये मेरे को छोड़ के भाग गए। अभी बहुत मारूंगी, तुम पागल हो। दोनों मोटी बुद्धि। हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ मम्मी के ऊपर प्रैंक, और वो प्रैंक है स्नीजिंग प्रैंक। और मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो मम्मी को लगेगा कि सच्ची है एकदम, मम्मी झूठ मान ही नहीं सकती। तो अमन लेकर आया एक जेली, वो प्रैंक वो मुझ पर करने वाला था, बट वो प्रैंक फेल हो गया, तो वो अब मेरे काम आएगी, तो वो मैं मम्मी के साथ प्रैंक करूँगी। और आप देखना, तो आप देखना, और ये बहुत ज़्यादा फन, क्या बोलते हैं, फन्ने का बन रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग नीचे वीडियोस बनाने आए हैं, सजान ड्राइव करके कार लेकर आया है, और सो अभी हम पहले वीडियोस बनाएंगे, फिर मैं ऊपर जाऊंगी, देन मैं प्रैंक करूंगी, देखना। गाड़ी लो कराऊं और देख लो आए हैं, आए हैं, क्या हुआ? और पज्जी किदा अपनी चे मन को बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती, और ये दिन मतलब ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कार से उतर गई। इसको आती नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ये गाड़ी चला लेगा। देखो क्या हो गया, मना कर दिया, चला लेंगे। तो कर दिया, ला मैं चला के साथ, गाड़ी आ रही है, मैं चला के देखो, बाहर से जाओ भाई यार, क्या हो गया? नहीं हो गया, नहीं हो रही, बताना किसे? मुझे बेबी, कैसी बात कर रही हूं अभी, क्या इसको मारता हूं ऐसे? बेबी जो तुमने रेस दे दी, इसलिए दे दी मैंने वापस। भाई यार रेस ही नहीं देते, और ये ऐसे भागेगी ना, और ये रॉकेट है बेबी, यही से उछाली थी सारे। अच्छा अच्छा जी, मैंने तेरे तुम समझ नहीं रहे, मुझे आती है बट तुम नहीं समझ रहे हो। ओए होए 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 होए, जरा करी जाए बात, गाइस ये दोनों अपनी अलग बातें कर रहे हैं, मोमोज लेने हैं बाहर। क्या वही? अरे हाय छी छी, छी दीदी छी यार, अरे यार इसको साफ करो। कलर स्लाइम आ गए हैं? मेरा जो प्रैंक था वो फ्लॉप हो चुका है, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है, उन्हें पता चल गया था कि वो लाइव है। जी आप मुस्कुराए, मम्मी कैसा लगा? जी ना मम्मी, यही इतनी सारी बचपन में भी निकली बात थी वही, नहीं जो बात है वो है, वैसे लगा तो थोड़ा सा सच में निकल गई। मम्मी कैसे पता चल जाता है? बस पता चल जाता है मुझे। सो यार गाइस, जैसे कि आपने वीडियो देखी, मैंने प्रैंक किया, बट प्रैंक नहीं हुआ क्योंकि मम्मी को मेरी सब कुछ पता चल जाता है। उनको लास्ट व्लॉग भी जब हमने किया था उनको तब भी पता चल गया था, और अभी भी उनको पता चल गया। सो यस, अभी मैं ट्राई करूंगी, मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगी जो एकदम ऐसे रियल वाला हो। मम्मी को एकदम पता चल गया था, और मैंने एकदम वैसे ही किया, उस लाइन वगैरह मंगाई थी, और अमन ने वो अपने प्रैंक के लिए मंगाई थी। अमन ट्राई कर रहा था मेरे ऊपर, बट मुझे पता चल गया था कि वो मेरे ऊपर प्रैंक करने वाला है। उसका प्रैंक फ्लॉप हो गया, और जैसे आज मेरा भी प्रैंक फ्लॉप हो गया, और मेरी इस बार एक्टिंग सब कुछ अच्छा था, और इस बार मैंने सजान अमन को बोला कि मैं ऐसे ऐसे मतलब वही लोग करा, क्योंकि साक्षी तो हंसती है, साक्षी भी हंसती है, जिया भी हंसती है,
तो वो लोग आए हुए थे तो मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी क्योंकि वो दोनों करा देंगे वो, क्योंकि एक्टिंग में सीरियस रहते हैं प्रैंक वगैरह के मामले में, तो फिर मेरे को लगा करा देंगे, बट मम्मी को पता चल गया था बिकॉज शायद थोड़ा सा हंस गई थी जिया, इसलिए मम्मी को पता चल गया था कि मैं कुछ करने वाली हूँ। सो मेरा प्रैंक फ्लॉप हो गया और यस अभी हमने खाना पीना खाया, जस्ट अब मैं बस सोने जाऊँगी। और कुछ ऐसा प्रैंक बताना जिससे मम्मी को बिल्कुल भी डाउट ना हो। यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।